कि बीरेन सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं, वो आ रहे हैं। उनका फोन आया, मैं छोटी मोटी मीटिंग कर चुका था। दूसरे दिन हमारे आदरणीय बीरेन सिंह जी को आना था, हमने जो है करीब 25-26 लोगों को बुलाया, लेकिन वो आ गए 50-60 तक। और बीरेन सिंह जी पधारे, जिनको देखा हमने, इनकी वेशभूषा देखी तो वह महापुरुष है। कमांडर साहब जी को मैं व्हाट्सएप पे भी जानता था, एक मेहनती जी हूँ। ये हम गरीबों की लड़ाई जो है लड़ रहे हैं और हम लोग चुपचाप करके इनके मार्गदर्शन में वीरेंद्र सिंह जी ने हमको मंडली अध्यक्ष कानपुर का बना दिया और मंडली सचिव महेश सिंह जी हमारे यहाँ थे, उनको बना दिया गया। लेकिन मैं उनको अच्छी प्रकार से जानता था, मैंने जोड़ना एक एक करके चालू किया। हमने इन अक्टूबर 18 से आज तक कम से कम कानपुर मंडल में करीब 40-42 आम सभाएं हुई थी। कि कोई भी अखबार मेरा ऐसा नहीं बाकी रहता था जिसने ईपीएफ पंजाब देखा न और संघर्ष समिति का नाम ना। ये सब मैं लगातार करता रहा। एक दो कार्यक्रमों में हमें अपने राष्ट्रीय महासचिव वीरेन सिंह जी का भी आशीर्वाद मिला। एक कार्यक्रम में हमारे सीवी सिंह जी हमारे यहाँ गए थे। हम जमीन पे मीटिंग करते हैं, कुर्सियों पर बैठाने की हमारी कथा है। और ना कुर्सी हम डलवा सकते हैं, रोडवेज की जगह में छोटा सा स्टेशन रावतपुर में है, वहीं ये सब महापुरुष पहुंचे थे और हमारी सभा को भी देखा होगा। हमने ये तय किया कि राष्ट्रीय कार्यक्रम जो भी निर्धारित हो वे आज तक मैं अक्षरशया वीरेन सिंह जी के आदेशों का और राहुल जी के आदेशों का सदैव पालन। कोई भी सांसद जिसको ज्ञापन देना हो, जब जब इनके ज्ञापन की सूचना पहुंची है, चाहे सांसद को देना हो, चाहे ईपीएफ हो, ईपीएफ कार्यालय में देना हो, चाहे डीएम कार्यालय